हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लास है आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का चल रहा था, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो में दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। ऑलरेडी 19 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड हो गए हैं और ये सभी दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड पे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको आरआरबी जेईई सीवीटी 2 में सेम पैटर्न पे दिखने का को मिलेगा दोस्तों, 9 टेक पार्ट से सेम उसी पैटर्न पे आपको मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, बेसिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री, जीके जीएन, करंट अफेयर सभी का मिक्स क्वेश्चन रहता है दोस्तों। और डेली यहाँ इस चैनल पे टेस्ट होता है 9 PM एंड 9 AM, मॉर्निंग और नाइट दोनों में 9 बजे दोस्तों यहाँ पे लाइव टेस्ट इस चैनल पे प्रोवाइड होता है। और जो स्टूडेंट नए हैं उन लोगों को बता दो, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में दोस्तों स्पेशली आरआरबी जेईई सीवीटी 2 को लेकर के मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूं, तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मास्टर वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन सीरियस तरीका से करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी के बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को दिल से लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें ताकि हर स्टूडेंट को फायदा हो सके। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए टोटल 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाता है और इस 50 क्वेश्चन में से आपको 35+ अगर कर जाते हैं तो समझिए कि आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल का हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और जो स्टूडेंट इस चैनल से स्टडी किए उन लोग को एटलीस्ट 40+ जो है स्कोर करना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा और साथ ही साथ आपको कमेंट करते चलना है। और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ईमानदारी पूर्वक कि 50 में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। चलिए हम लोग सेट को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, टू बी इलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा ए पर्सन शुड बी एटलीस्ट, कहने का मतलब लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सभी लोग कमेंट करें, जितने स्टूडेंट लाइव हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट हो सके, ठीक है दोस्तों। कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 25 ईयर, ठीक है दोस्तों। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है दोस्तों, इसमें सदस्यों की संख्या 552 होता है। कितना? 552 हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचन क्षेत्रों व 20 सदस्य केंद्र शासित से निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसके लिए लोकसभा के लिए मेंबरशिप के लिए 25 ईयर का जो है एज होना चाहिए न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड फेमस क्वेश्चन है। सभी जो है दोस्तों सेपरेट मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ, उसमें ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया गया है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मुगल एम्पायर हु गेव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश दियर फैक्ट्री एट सूरत। उस मुगल बादशाह का पहचान करें जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने का अनुमति दिया था, ऑर्डर दिया था। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर, ठीक है दोस्तों। जहांगीर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर। आपको बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था दोस्तों, जिसका मेन उद्देश्य था कि भारत के साथ व्यापार करना, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, कहने का मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के शासक को ब्रिटेन ने कुशासन के बहाने सत्ता से निष्कासित कर दिया था।
सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन ए होगा दोस्तों अवध, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1856 ईस्वी में लखनऊ के रेजिडेंट आउट्रम उनका नाम था, उन्हीं के द्वारा अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवा दिया था, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पलिटाना मंदिर आर लोकेटेड नियर, पलिटाना मंदिर अवस्थित है कहाँ अवस्थित है दोस्तों, पलिटाना मंदिर की बात हो रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, पलिटाना मंदिर कहाँ अवस्थित है, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ये जो है भावनगर गुजरात में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और ये जो है पलिटाना मंदिर भावनगर जिला गुजरात में स्थित है दोस्तों, और ये जैन धर्म का तीर्थ स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अर्थ वॉर्म बिलोंग टू फॉलोइंग एनिमल्स पायला, कहने का मतलब केचुआ इनमें से किस जात जंतु प्रजाति से संबंध रखता है, केचुआ की बात हो रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये एनिलीडा ग्रुप से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सेवंथ नंबर क्वेश्चन, द वर्ड फंक्शन दैट करेक्ट टेक्स्ट एज बी टाइप इट्स रेफर टू एज, वह वर्ड फंक्शन क्या है जो टेक्स्ट को टंकन यानी टाइप करने के साथ ही उसे सुधारता है, सुधार करता जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू, कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक संचयन का अर्थ क्या होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कंप्यूटर का मास्टर वीडियो में सभी क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विच एक्सटेंशन इज गिवेन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट का बाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स का बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट डीओसी होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, टेंथ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कुंवर सिंह इज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 बिलोंग्स टू, कहने का मतलब 1857 के विद्रोह के दौरान एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कुंवर सिंह किस प्रांत से संबंध रखते थे, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कुंवर सिंह से रिलेटेड, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, वो बिहार से संबंध रखते थे। कुंवर सिंह का जन्म बता दे दोस्तों 1777 में हुआ था बिहार के भोजपुर जिला में, बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर एक गांव है दोस्तों, वहीं पे हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग फील्ड, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के संदर्भ में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार की बात हो रहा है दोस्तों, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत भी पूछा जाता है एग्जाम में 1958 में हुआ था दोस्तों, जो कि साइंस विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 12 नंबर क्वेश्चन, एटम ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विल हैव, अवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह
से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पीरियोडिक टेबल अच्छे लेवल का करवाया गया है, अगर देखे होंगे तो कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? मॉडरेटर की बात हो रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हैवी वाटर। ठीक है, मॉडरेटर में हैवी वाटर, भारी जल, ये सब दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यूज किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द वैल्यू ऑफ इतना गिवन है दोस्तों, बाइनरी इसका निकालना है वैल्यू। अक्सर ये जो है बुलियन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में जो है सिलेबस में दिया है, इससे भी जो है करवाया गया है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इसको निकालिए और कमेंट कीजिए, सभी लोग निकालिएगा। निकालने का प्रोसेस मैं बता दिया था दोस्तों, क्या है, कै गो वन है, 1 2 3 4 5 है, 1 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसको क्या करना होता है दोस्तों, ये साइड से जो हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 0 गुने 1, 2 के पावर 1 गुने 1, 2 के पावर 2 गुने 1, 2 के पावर 3 गुने 1, क्या टाइम हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और है, 2 के पावर 4 गुने 1। ठीक है, और 1 जो रहेगा वो दोस्तों साथ में मल्टीप्लाई होते जाएगा, क्या होगा, 2 के पावर 4 गुने 1 यानी 16 हो गया, 3 गुने 1 यानी 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया एंड 1 हो गया, सभी को ऐड कीजिएगा, 31 आएगा। इसको 31 तो ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 15 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी देयर फैक्टर, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी 3 फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग आर। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक तापन के लिए 3 प्रमुख घटक है, वो कौन है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन करवाया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्लेस देम इन द ऑर्डर ऑफ दियर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग में उनके योगदान प्रतिशत के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करके। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस देश में भारत के सहयोग से महात्मा गांधी आईटी एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क नामक मुक्त व्यापार क्षेत्र को हाल ही में स्थापना किया गया है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आइवरी कोस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। खालसाबाज फाउंडेड बाय, खालसा की स्थापना किया गया था, किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया था। कब किया गया था, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह आपको बता दे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 18 नंबर क्वेश्चन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, कहने का मतलब आधार विन्यास किस विन्यास की प्रस्तुति करता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हु ऑथर्ड द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कहने का मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है,
सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, एम के गांधी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब जो है पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे दोस्तों, फेमस फॉर किसके लिए प्रसिद्ध थे आपको कमेंट करना है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ये है पेंटिंग से रिलेट करते थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राजा रवि वर्मा एक भारतीय चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 21 नंबर क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको CBT 2 एग्जाम में दिखने को मिलेगा दोस्तों। डेली टेस्ट लगाइए, आज जो है इवनिंग तक एक और टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, कल से आप लोग का एग्जाम है। बस आप लोग ध्यान से, जिस तरीका से मैं बताया हूँ, नॉन टेक पार्ट को ध्यान से आपको करना है दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाते जाइएगा। अक्सर मास्टर वीडियो से ही क्वेश्चन रिपीट होने की उम्मीद है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन NGO, इनमें से कौन एक गैर सरकारी संगठन नहीं है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉच। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड वॉच एक सरकारी संगठन है दोस्तों, यह जो है यह संगठन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, Washington DC, कहाँ, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, CGS सिस्टम में विकृति की यूनिट क्या होती है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेन की बात हो रहा है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नो यूनिट होता है, क्या होता है दोस्तों, यूनिट लेस होता है। ठीक है, स्ट्रेन बीमाओं में दोस्तों इसकी जो है यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, 28 जून 2019 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए पूर्वोत्तर भारत में परिवर्तन तंत्र तथा पूर्वोत्तर कॉन्क्लेव फिल्म आयोजित किया जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, 28 जून 2019 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए पूर्वोत्तर भारत में परिवर्तन पर पूर्वोत्तर कॉन्क्लेव फिल्म आयोजित किया गया, कहाँ किया गया वो आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये जो है मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 24 नंबर क्वेश्चन, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सरोवर, दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आपको कमेंट करना है। दामोदर नदी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बंगाल। ठीक है दोस्तों, सौरो ऑफ बंगाल जो है इसी को बोला जाता है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है दोस्तों, जो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन, अर्थक्विक काउज डैमेज वेन, भूकंप क्षति पहुंचाते हैं जब, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, भूकंप क्षति पहुंचाते हैं जब क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेन एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, विकृति बल की मात्रा पदार्थ की शक्ति से अधिक हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, और ये सभी जो है मास्टर वीडियो में करवा दिया गया है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावर पॉइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है MS ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पे कितना होता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, वाटर का केल्विन में पूछ रहा है दोस्तों,
और सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 377 केल्विन। क्या होगा दोस्तों? 377 केल्विन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। द इल्यूमिनेशन ऑफ ए बीम ऑफ लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑन कॉलिजन विथ पार्टिकल सस्पेंडेड इन फ्लूड इज कॉल्ड। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये जो है टेंडल इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, टेंडल इफेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 29 नंबर क्वेश्चन। महाभारत, ध्यान दीजिएगा, महाभारत द इपिक वाज रिटेन बाय, महाभारत ग्रंथ की रचना किनके द्वारा किया गया था? सभी को पता होगा दोस्तों, महाभारत ग्रंथ का रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, महाभारत की रचना ऋषि व्यास ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाई, आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती को द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा दो भारतीय प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए पिलिंगटन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे आइए। फ्रेंच पावर डिक्लाइन इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ, फ्रांसीसी शक्ति की किस लड़ाई के पश्चात पतन हुआ था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, वांडीवास, ठीक है दोस्तों, वांडीवास के युद्ध के बाद, ठीक है। वांडीवास का युद्ध दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारत से फ्रांसीसी शक्तियों के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन जर्नी बिटवीन बॉम्बे एंड थानेवाज इन ईयर, कहने का मतलब भारतीय प्रथम रेल यात्रा मुंबई एवं थाने स्टेशन के बीच किस वर्ष आरंभ हुआ था, वो आपसे पूछा जा रहा है, ईयर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1853। कब हुआ था दोस्तों? पहली बार 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को हुआ था दोस्तों, बम्बई से थाने के बीच। ये कितने किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है? स्ट्रेस की बात हो रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, वो भी एसआई में बात हो रहा है, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन। रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी इन टर्म ऑफ इट्स टेम्परेचर फॉलो, एक काले बॉडी का विकिरण तापमान में टर्म में किस नियम का अनुसरण करता है? ब्लैक बॉडी की बात हो रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्टीफंस का नियम, ठीक है दोस्तों, स्टीफंस लॉ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन पे आइए। व्हिच प्लैनेट
हैज हॉट टर्बुलेंट एटमोस्फेयर डोमिनेटेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर गर्म विक्षोभी वायुमंडल है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मंगल, मार्स पे। ठीक है, मंगल ग्रह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारत में किसके साथ टीवी उन्मूलन हेतु $400 मिलियन के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किसके साथ टीवी उन्मूलन हेतु $400 मिलियन के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन से कंट्री है, वो कौन से संस्था है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 38 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अक्सर ये सभी क्वेश्चन करवाया गया है, बस दिमाग में आपको आना चाहिए, एक दो बार वीडियो देख लेने के बाद सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, MIPS होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एंड मेगा हर्ज ऑफ क्लॉक स्पीड, यानी दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए। द फेमस क्वीन चांद बीवी, ध्यान दीजिएगा, फेमस क्वीन चांद बीवी हु फाउट अगेंस्ट अकबर डिफेंडेड द सिटी ऑफ, कहने का मतलब प्रसिद्ध रानी चांद बीवी जिसने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया किस शहर की रक्षा करने के लिए दोस्तों? 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अहमदनगर के लिए। ठीक है, अहमदनगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन दैट प्रोड्यूस द माइक्रोवेव रेंज ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, माइक्रोवेव ओवन जो माइक्रोवेव रेंज का विकिरण उत्पन्न करता है कहलाता है, क्या कहलाता है आपसे पूछा जा रहा है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, मैग्नेट्रॉन बोला जाता है उसको, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 11-12 की समीक्षा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कार्य का दल का गठन किया गया था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 11-12 की समीक्षा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कार्य दल का गठन किया गया था? 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रमेश चंद्रा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक इज मेजर्ड इन, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर होगा रिएक्टर स्केल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू मेरठ म्यूटनी, कहने का बाज इन, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए, और सभी एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एक लाइक ही हम लोग को मोटिवेट करता है बेहतर स्टडी मटेरियल देने के लिए, इसलिए लाइक एटलीस्ट क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1857। ठीक है, 1857 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। जितने स्टूडेंट लाइव हैं सभी लोग कमेंट करें, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जलवायु, जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र का बायोटिक घटक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 46 नंबर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड, कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किया जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मेमोरी यूनिट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मेमोरी यूनिट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए रजिस्टर इन कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बफर। स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर हैं दोस्तों, ठीक है, जबकि बफर क्या है, एक फिजिकल मेमोरी का पार्ट है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ईमेल भेजने के लिए किया जाता है कौन से नेटवर्क का दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ईमेल भेजने के लिए जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 49 नंबर क्वेश्चन। द यूज ऑफ ए कैचे इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीज द, कंप्यूटर सिस्टम में कैचे का प्रयोग बढ़ाता है, किसका बढ़ाता है, किस क्या बढ़ाता है दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। कैचे मेमोरी ये सभी जो है करवाया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अवेलेबल स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस, मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। आपको ऐसे भी पता होगा दोस्तों, कैचे मेमोरी जो होता है बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, ए माइक्रो प्रोसेसर हैज 24 एड्रेस लाइन एंड 32 डाटा लाइन, द यूज ऑफ 10 बीट ऑफ ऑप कोड, द साइज ऑफ मेमोरी बफर रजिस्टर इज। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन 32 डाटा लाइन है, यदि प्रोसेसर 10 बीट वाला ऑप कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये होगा 32 32 बीट का होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन तो देखा जाए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टेक्निकल क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया था दोस्तों, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नॉन टेक में ही पूछ दिया जाता है, इसलिए इंक्लूड कर दिया था, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट आंसर हुआ है, ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके दोस्तों। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चैनल पे दोस्तों आपको एग्जाम कल यानी 28 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस चैनल पे दोस्तों एग्जाम का रिव्यू लाइव फ्रॉम सेंटर से दोस्तों आपको रिव्यू करवाया जाएगा, कौन से क्वेश्चन कौन से शिफ्ट में कैसे लेवल का क्वेश्चन, किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, कैसे पूछा गया है, स्टूडेंट से जानकारी डायरेक्ट सेंटर से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए वो सभी वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चल सके दोस्तों, जैसे आपका एग्जाम कल नहीं परसों है या कल है, तो जो जिन स्टूडेंट का परसों एग्जाम है उनको एक आइडिया लग जाए सो दोस्तों कि जो नॉन टेक पार्ट से कैसा क्वेश्चन आ रहा है या फिर टेक्निकल पार्ट से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसीलिए रिव्यू भी जरूर देखिएगा। और जल्द ही चैनल पे दोस्तों RRB NTPC और ग्रुप डी का भी क्लासेस टेस्ट प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ दोस्तों आपको मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए वो सभी जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इवनिंग में दोस्तों 9 PM में एक और वीडियो जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड होगा, इसलिए वो भी जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।